हेलो एंड वेलकम टू द चैनल शाइनिंग स्टार्स ऑलवेज विद यू विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट टू इफ़ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ होल चैप्टर यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कैन क्लिक द लिंक फॉर द होल चैप्टर अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि यू का एवोल्यूशन कैसे हुआ कैसे यू बना क्या उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी जिसकी वजह से यू ने जन्म लिया चैप्टर पर हम बढ़े इससे पहले मैं दो कमेंट रिकग्नाइज करने वाली हूं जिन्होंने मेरे क्वेश्चंस का बिल्कुल सही आंसर दिया है सो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द कैटेगरी ऑफ एस्टाउंडर्स जो मेरे क्वेश्चंस का सही आंसर देते हैं या फिर साइड में जो छोटे कार्टून हैं मुन्नी उन्नी के जिन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसका सही आंसर देते हैं आई एम गोना रिकोगनाइज देम फ्रॉम टुडे ओके सो आप भी कोशिश कीजिएगा यहाँ पर मैं दो कमेंट्स को रिकॉग्नाइज करती हूँ एक तो जिम्मी का कमेंट है यहाँ पर मैंने पूछा था यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट्स किस किस के पास है सिक्योरिटी काउंसिल में द करेक्ट आंसर इज चाइना रशिया फ्रांस यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम यू आर करेक्ट एंड वेल डन फॉर योर आंसर एंड इसके अलावा जो दूसरा कॉमेंट है इन्होंने जो उन्हीं ने पेज नंबर थर्टी फोर पर कार्टून पूछा हुआ है उसका एकदम सही जवाब दिया है सो आई रिकग्नाइज योर कॉमेंट एंड मैं आपको इस कॉमेंट के लिए अप्रीशिएट करती हूं योर आंसर इज सर्टेली करेक्ट एंड वेल डन अनू फॉर योर एफर्ट ओके सर लेट्स स्टार्ट विद एवोल्यूशन ऑफ द यू एन कोशिश कीजिएगा जो मैं वीडियो में कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछूँ या साइड के जो कार्टून है उनको आंसर करने की क्योंकि माना कि वो अकेडमिकली आपके अभी सिलेबस के लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करेंगी जिसमें ये सिलेबस आता है उनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो कोशिश कीजिएगा उनको आंसर करने की एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और मैं उनको रिकोगनाइज नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूंगी लेट्स स्टार्ट विद एवोल्यूशन ऑफ़ द यू देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था प्रॉब्लम्स हो गई थी लोग मर गए थे इसकी वजह से क्या हुआ कि आ, लोगों ने सोचा कि हमें एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिससे जो कि प्रॉब्लम्स ना होने दे और कोई वर्ल्ड वॉर ना हो जाए वापस से ठीक है इस वजह से लीग ऑफ नेशन बनाया गया ये सोच करके कि शांति रहेगी और कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होगी लेकिन बजाय इसके बावजूद इसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई तो यूनाइटेड नेशन को फाइंड आउट किया गया यूनाइटेड नेशंस बनाया गया लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर के रूप में 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठीक है और इससे पहले यहाँ पर देखिएगा ये एक कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में ये क्या वो करता है क्या दिखाता है ये ये दिखाता है ये 1942 में आया था और इसमें सारे जितने भी अलाइड फोर्सेस थी उन सबके फ्लैग हैं ठीक है अलाइड फोर्सेस यानी कि ब्रिटेन इधर फ्रांस यूएसए और ये जितने भी नेशंस थे जो कि एक्सस पावर के अगेंस्ट लड़ रहे थे एक्सस पावर कौन सी थी जर्मनी इटली जापान इसके अगेंस्ट जो अलाइड फोर्सेस लड़ रही थी उनके फ्लैग्स थे ये ये दिखाता है कि यूएन का जो ओरिजिन हुआ जो यूएन जहां से निकली वो एक्चुअली एक वॉर थी यानी कि यूएन का जन्म ही तब हुआ जब वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद ही यूएन का जन्म हुआ तो ये ये जो वो है ये यही दिखाता है यहाँ पर देखिएगा यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली सेक्रेटरियट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टरशिप काउंसिल जो कि सस्पेंड कर दिया गया खत्म कर दिया गया नाइनटीन नाइन्टी फोर में ठीक है आप इसको पढ़ सकते हैं एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है यू कैन हैव लुक ओवर इट आप इसे रीड करके जाइएगा देन अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस की और यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ था यूनाइटेड नेशन कार्टर साइन किया गया था फिफ्टी वन कंट्रीज़ ने साइन किया था यू का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होने देंगे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे शांति बनाए रखेंगे और साथ में कॉपरेशन प्रोवाइड करेंगे स्टेट्स को कि हर कंट्री एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें ठीक है और uh, ऐसा ना हो कि कोई झगड़ा किसी वॉर में बदल जाए और अगर वॉर में बदल जाता है तो जितनी भी डिस्ट्रक्शन हो रही है वो कम से कम हो ठीक है इसके अलावा जो अगला ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आ, क्योंकि ज़्यादातर लड़ाई झगड़े सिर्फ इस वजह से होते हैं क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होती है उनकी लैक करते हैं वो इसमें इसीलिए यूएन ये सोचा गया कि यूएन जो है वो कंट्रीज़ कोशिश करेगा कि कंट्रीज़ की सभी कंट्रीज़ की वर्ल्ड की जितनी भी उसकी मेंबर्स हैं उसकी सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे ताकि लोगों में लड़ाई झगड़े ना हो क्योंकि आधी बार लड़ाई झगड़े की वजह ही ये होती है कि उनके पास सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी अच्छी है नहीं तो इसीलिए यूएन ये भी कोशिश करेगा कि डेवलपमेंट जो है वर्ल्ड की वो और उनकी कंट्रीज़ की अच्छी हो ओके okay. तो अब हम यू नेशन जनरल असेंबली अब हम यू के स्ट्रक्चर की ओर यहाँ पर देखेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो सभी मेंबर्स हैं उनका हर किसी का एक वोट होता है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखो दो तरह की वो होती है स्ट्रक्चर्स पहली है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसमें जितने भी मेंबर हैं यूएन के वो सभी बैठते हैं कोई भी मुद्दा आता है तो एक वोट होता है उनका या तो हाँ या तो ना या फिर न्यूट्रल ठीक है देन जो दूसरी स्ट्रक्चर होती है वो होती है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इसमें पांच परमानेंट मेंबर बैठते हैं यूनाइटेड स्टेट्स रशिया यूके फ्रांस और चाइना इन परमानेंट मेंबर्स के अलावा टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स बैठते हैं परमानेंट और नॉन परमानेंट के बीच का फर्क क्या है ये हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे लेकिन ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनको परमानेंट क्यों बनाया गया सिक्योरिटी काउंसिल में इस वजह से क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और ये कहा जा सकता है कि उस लड़ाई के क्या थे विक्टर्स थे यानी कि उस लड़ाई को इन देशों ने जीता था कौन कौन से देश यूनाइटेड स्टेट्स रशिया यूनाइटेड किंगडम फ्रांस एंड चाइना तो इनको परमानेंट मेंबर बना दिया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सोचा गया कि स्टेबिलिटी आएगी इस चीज़ से ये हम आगे पढ़ेंगे देन मेन चीज़ अब यहाँ पर यही है तो ये दो चीज़ें होगी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल साइड में एक कार्टून है इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसका कमेंट रिकॉग्नाइज किया जाएगा कोल्ड वॉर और नो वॉर वन रिफॉर्म इज नीडेड अबव ऑल ओनली डेमोक्रेटिक लीडर्स शुड बी अलाउड टू रिप्रेजेंट द कंट्रीज इन द यू हाउ कैन दे अलाउड डिक्टेटर टू स्पीक इन द नेम ऑफ पीपल्स ऑफ देयर कंट्री ओके तो इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा बड़ा ही टे टेक्निकल क्वेश्चन है तो मैं आशा करती हूँ आप इसका जवाब जरूर देंगे Then, का जो जो होता 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 है और जो representative होता है है। और वो उसका एंटोनियो गिटरस ये नाइन्थ सेक्रेटरी जनरल हैं यूएस के और इन्होंने सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट ली थी वन जनवरी टू थाउजेंड सेवेंटीन में ये पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और यूनाइट यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रह चुके हैं 2015 तक तो, तो ये अभी फिलहाल के यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं अब ये बात तो हो गई जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल की इसके अलावा यूएन जो है काफ़ी सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और एजेंसीज यूएन की है जो कि कोशिश करती हैं कि वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड एंड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये कुछ एजेंसीज हैं इसके अलावा भी कई सारी एजेंसीज़ यू की हैं सी के स्टूडेंट्स यूनीस्को यूनिसेफ और आई थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा नया एडिशन है ये उनके उसमें तो वो जो डिटेल है यूनेस्को यूनिसेफ और आईएलओ की वो मैं आपको चैप्टर के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी ओके सो लेट्स स्टार्ट विद रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी चीज़ है उसको बदलते एनवायरनमेंट के साथ बदलना पड़ता है और अपने अंदर कुछ नए चेंजेस करने होते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट करनी होती है रिफ़ॉर्म्स करने होते हैं और यू को भी करने होंगे कोल्ड वॉर से पहले तक तो दो सेंटर्स ऑफ पावर थे कोल्ड वॉर के बाद अकेला यू एस ए रह गया जिसके पास पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर वो अकेला रह गया इस वजह से यू एन को भी कहीं ना कहीं चेंज होना होगा दो बेसिक काइंड ऑफ रिफ़ॉर्म्स जो हैं यू एन के वो ऐसा कहे जाते हैं कि पहला रिफॉर्म जो होना चाहिए वो होना चाहिए इसकी स्ट्रक्चर्स और प्रोसेस में दूसरा ये देखना चाहिए कि जो भी जो भी इश्यूज़ हैं जो इसकी जुरिस्टिक्शन में आते हैं जो इसकी वर्डिक्ट में आते हैं यानी कि जिस पर ये फैसला दे सकता है उसको भी रिव्यू करना चाहिए कि किन किन चीज़ों पे ये फैसला दे सकता है किन किन चीज़ों पे ये नहीं दे सकता तो ये दो रिफ़ॉर्म्स यूएन में होने चाहिए क्योंकि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई है और यूएन को भी अब चेंज होना होगा तो हालांकि सारी कंट्रीज़ इस बात पे अग्री करती हैं कि कुछ ना कुछ रिफ़ॉर्म करना चाहिए लेकिन ये इस बात पे ज़्यादा कंसेंसस बिल्ट नहीं करती कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए देखो एक रिफ़ॉर्म है स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस का जिसमें बिगेस्ट डिस्कशन तो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनिंग को हमें देखना चाहिए हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप बढ़ा देनी चाहिए ताकि जो आज की जो वर्ल्ड की सच्चाइयां हैं वो उसमें रिप्रेजेंट हो सके ये माना जाता है कि अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पंद्रह लोग बैठते हैं पाँच परमानेंट और दस नॉन परमानेंट इसके अलावा और इनमें सीटें बढ़ानी चाहिए क्योंकि अब वर्ल्ड को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए ठीक है और मेनली तो इनको परमानेंट मेंबर्स की सीट भी बढ़ानी चाहिए इसके अलावा यूएन यूएस और यू यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो चाहती हैं कि यू का जो बजट है जो उसके प्रोसीजर्स है उसका एडमिनिस्ट्रेशन है यूएन बजट से रिलेटेड वो ज़्यादा इम्प्रूव देन इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ चाहती हैं कुछ कंट्रीज़ और एक्सपर्ट्स ये चाहते हैं कि उन इश्यूज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए जो कि मतलब शांति और सिक्योरिटी के लिए हैं यानी कि अगर दो देश लड़ रहे हैं तो यूएन को चुप नहीं बैठना चाहिए बल्कि शांति करवाने की कोशिश करनी चाहिए पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी चाहिए बल्कि जबकि कुछ कंट्रीज़ और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं यूएन को इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए बस अपना जो काम है कहाँ तक रखना चाहिए डेवलपमेंट करने तक कि हेल्थ एजुकेशन एनवायरमेंट इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कंट्रीज़ में इनकी डेवलपमेंट करनी चाहिए मानवता का, का काम करना चाहिए बाकी सिक्योरिटी और पीस मिशंस नहीं करने चाहिए कि आप पीस कीपिंग फोर्स भेज रहे हो मतलब बीच में करवा रहे हो जबकि कुछ कंट्रीज एंड एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं और कुछ वो बात कहते हैं ओके सो यूनाइटेड नेशंस जो है वो एस्टेब्लिश हो गया था 1945 में इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेकिन आफ्टर द कोल्ड वॉर ये रियलिटीज देखो अब हमने ऊपर ये वाली बात की थी कि यूनाइटेड नेशंस को बदलना होगा क्योंकि जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो गई है और वर्ल्ड अब थोड़ा चेंज हो गया तो यू को भी चेंज होना होगा लेकिन ये चेंजेस क्या हैं किस वजह से यू को भी चेंज होना होगा कैसे कोल्ड वॉर की स्थितियां बदल गई हैं देखो ये चेंजेस यहाँ पर बता रखे हैं कि सोवियत यूनियन कोलेप्स कर गया यूएस अकेली स्ट्रॉगेस्ट पावर रह गया जो यूएस और रशिया जिसको कि सोवियत यूनियन का सक्सेसर माना जाता है उनमें जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा कॉपरेटिव हो गई है दुश्मनी थोड़ी कम हो गई है चाइना बहुत फ़ास्टली ग्रो कर रहा है इंडिया भी रैपिडली ग्रो कर रहा है इसके अलावा जो एशिया की इकोनॉमीज़ हैं ये अनप्रेसिडेंटेड रेट पर बढ़ रही हैं यानी कि बहुत फास्ट बढ़ रही है नई कंट्रीज़ को यूएन ने जॉइन कर लिया है ठीक है जैसे जो सोवियत यूनियन से निकल करके जो कंट्रीज़ बनी उन्होंने ज्वाइन किया था नाइनटीन के बाद इसके अलावा नए सेट ऑफ चैलेंजेस हैं जैसे कि जीनोसाइड नए मुद्दे आ गए हैं प्रॉब्लम्स आ गई हैं यहाँ पर आप ब्रैकेट में देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें बदल गई हैं कोल्ड वॉर के बाद नई कंट्रीज़ आ गई रिप्रेजेंटेशन कम हो गया क्योंकि नई कंट्रीज़ एंटर हो गई यू में चाइना इंडिया की सिचुएशन बदल गई है यू सोवियत यूनियन का जो सक्सेसर है रशिया यूएस रशिया की सिचुएशन बदल गई है नए मुद्दे आ गए हैं तो कहीं ना कहीं यूएन को रिफॉर्म करना पड़ेगा जब कोल्ड वॉर एंड होने लगी तो लोग ये बोलने लगे कि क्या यूएन एनफ कर रहा है मतलब जो इसका जो इसे और आज करना चाहिए क्या ये सही है जो ये जितना कर रहा है ये ही काफी है तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आने लगे वट आई फील इज आई शुड एंड हेयर एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो इफ यू लाइक प्लीज टू हिट दैट लाइक बटन सब्सक्राइब माई चैनल स्टेट फॉर मोर कोशिश कीजिएगा उस उन्नी वाले क्वेश्चन का आंसर देने की सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग